फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ यू ऑल? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो अब से लगभग 1 सवा घंटे पहले नाबार्ड ने अपना प्री जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अक्टूबर 2019 को, उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और ये लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट की है, जो कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पर आरओ वाइज यानी रीजनल ऑफिस वाइज, यहाँ आप आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये पूरा लिस्ट स्क्रॉल कर लीजिएगा। बिहार से ठीक ठाक लोगों का हुआ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ उससे थोड़ा ज़्यादा, गुजरात भी लगभग बराबर, हरियाणा भी ठीक ठाक सिलेक्शन, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये पूरे स्टेट वाइज दिया हुआ है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और हमारे कौन कौन से ऐसे लकी व्यूअर्स हैं जिनका इसमें हुआ है, ये ज़रूर बता दीजिए। ये हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में असिस्टेंट लेवल की, ये किसका, महाराष्ट्र, देखिए। हाँ, जाहिर सी बात है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या नाबार्ड हो, हेडक्वार्टर मुंबई है, वहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी रहती है। तो देखिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर। अब देखने वाली बात ये है कि इनमें से कितने लोग मेन्स में सेलेक्ट, मतलब मेन्स एग्जाम क्लियर करके फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो फिर हाँ, ये इसलिए हम बता रहे थे कि जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई असिस्टेंट, फिर उसके बाद नाबार्ड, ये ठीक है, ये सब काफ़ी टॉप प्रायोरिटी पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए और अपना रिजल्ट ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का, दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।